बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है दुखी एवरी डब्बा जैपनीज। इसका जो मसला है, इसे ना चेक लाइट आ रही है तो, और गाड़ी थोड़ी थोड़ी नोकिंग भी कर रही थी, तो इसके कुछ मैंने पार्ट्स खोले हुए हैं। इसकी जो ट्यूनिंग है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो जो चेक लाइट है उसका फिर मसला भी है, बताता हूँ क्या किस वजह से आ रही है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने इसकी ये कैट खोली है, कैटालिटिक इन्वर्टर बोलते हैं इसे, ठीक है। इसके अंदर जाली है, ठीक है, वो बंद हो चुकी है, ठीक है। इसके अंदर जाली है, वो बंद है, उसकी वजह से चेक लाइट आ रही है। तो जब इसे कंप्यूटर लगाते हैं तो वो ऑक्सीजन सेंसर का बोलता है, कैटालिटिक इन्वर्टर का बोलता है कि इसे चेक करें। तो अभी ये खोला है हमने तो ये बंद है, ठीक है। इसे साफ़ करेंगे बिल्कुल केमिकल से। इसके प्लग स्पार्ट प्लग खोले हुए हैं, ठीक है, वो साफ़ करेंगे। और उसके बाद इसके ऊपर कैट के ऊपर सेंसर लगा होता है एक पिछली साइड पे, ठीक है, इधर, और एक ऑक्सीजन सेंसर लगा होता है इधर, ठीक है। उसके दो ये ग्रिप हैं, एक ये है और एक ये लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसकी हमने थ्रोटर खोली हुई है, ठीक है। इसकी थ्रोटर में कार्बन बहुत ज़्यादा आ चुका था, ठीक है, और गाड़ी जोन सी वो नोकिंग कर रही थी और आरपीएम नीचे गिराती थी, मतलब स्टार्ट खड़ी नहीं थी रहती, रेस एक्सीलेटर से पैर पाँव उठाएँ तो बंद हो जाती थी, ठीक है। इसके अंदर देखें कितना गंद है मैनिफोल के, ठीक है। थ्रोटर खुली हुई है, ये एयर सिलेंडर खुला हुआ है इसका, ये इसकी कॉइलें पड़ी हुई हैं, ठीक है, और एयर फिल्टर ठीक है, ऐसे हवा लगेगी और इसे साफ़ होगा, मैनिफोल इसका साफ़ करेंगे। और मैं थ्रोटर भी आपको इसकी दिखाता हूँ, ये इसकी थ्रोटर है, ठीक है। इसके सेंसर वगैरह सारे खुले हुए हैं, ठीक है, ये पेट्रोल लग गया। अभी तो ये कुछ साफ़ हो चुकी है, लेकिन जब पहले खुली थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गंदी थी, ठीक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बन था, ठीक है। इसे तीन सेंसर लगे होते हैं, एक इधर लगा होता है और एक इधर लगा होता है, दो, और एक इधर लगा होता है, ठीक है। तीन सेंसर लगे होते हैं इसे थ्रोटर को, और ये इसके पानी वाले पाइप हैं दो, ये इसके सेंसर हैं, ठीक है, एक, दो और तीन, ठीक है। इसके ऊपर देखें सेंसर के ऊपर कितना गंद है, ये देख लें, सेंसरों के ऊपर भी कार्बन आ चुका है, देख रहे हैं, इनकी सारी सफाई होगी। और ये इसकी कैट में जो सेंसर लगे होते हैं वो है, ठीक है, ये देखें बंद हो चुका है। इसके सुराख होते हैं वो इस टाइम बंद है कार्बन से। इसे WD-40 मारी हुई है, ठीक है, जब ये जंग इसका नरम होगा फिर इसके सुराख हम खोलेंगे, ठीक है। ये इसका पीछे वाला सेंसर है और ये इसका अगली साइड का सेंसर है, ठीक है। जो चेक लाइट का मसला है ना, वो कैट और ये सेंसर की वजह से आ रहा है, ठीक है। ये कैट और सेंसर साफ हो गए और चेक लाइट इसकी चले जाएगी। अगर आप देखते हैं आपके पास भी अगर एवरी डब्बा है उसकी चेक लाइट आ जाती है, पहले नंबर पे उसके ये जो ऑक्सीजन सेंसर होते हैं उनको चेक करवाएं, उनको खुलवा के साफ़ करवाएं और इसकी कैट साफ़ करवाएं, ठीक है। बाज़ बात ऐसे भी होता है कि कंप्यूटर पे आ रहा होता है ऑक्सीजन सेंसर कैटालिटिक, वो मैकेनिक जो होते हैं कई मैकेनिक उसकी जाली निकाल देते हैं जिससे चेक लाइट आ जाती है, वो फिर जाती नहीं। उसका हल ये होता है कि कैट जो है वो चेंज होती है फिर, ठीक है। तो कैट जब भी साफ़ करवाएं उसकी जाली नहीं निकलवानी, उसे केमिकल से साफ़ करवाएं जाली को, बस कैट की जाली बाहर नहीं निकलवानी, तड़वा के जाली को केमिकल से साफ़ करवाएं, ठीक है। तो अभी फिर जब सारा कुछ फिट करेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा, गाड़ी स्टार्ट है। तो ये इसके स्पार्ट प्लग हैं, इन्हें भी साफ़ करेंगे, ठीक है। तो अभी गाड़ी स्टार्ट करके तो ओके करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अभी दोस्तों गाड़ी ओके है,
इसकी चेक लाइट भी चलेगी या ठीक है। इसका जो ऑक्सीजन सेंसर था उसकी वजह से वो आ रही थी चेक लाइट, वो क्लियर हो गया। अभी स्कैनर लगा के चेक लाइट क्लियर कर दी और गाड़ी चला के भी देख ली है, चेक लाइट ओके है इसकी। गाड़ी स्टार्ट खड़ी है इस टाइम, ठीक है ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू दोस्तों।